साधक मित्रों, आज एक अपने साधक ने पूछा है कि घर पर साधना करते हैं पैर फैलाकर बैठ सकते हैं क्या? साधना तो मन की है, पर मन को वश में करने की है। मन को भी हम ढीला नहीं छोड़ देते, उसे काम पर लगाते हैं। उसे पालतू बनाना है ना, तो उसे अनुशासित करना होगा मन को। तो जहाँ तक हो सके, अगर हमें कोई दुर्धर रोग नहीं है, जिस रोग के आगे हम लाचार नहीं हैं, तो शिविर हो चाहे घर हो, हमें भगवान बुद्ध जिस पोजीशन में बैठते हैं उस पोजीशन को लेकर बैठना चाहिए। हाँ, इतनी रियायत गुरुदेव ने अवश्य दी है कि हम चाहे जो पोस्चर ले सकते हैं। पद्मासन में बैठिए, अर्ध पद्मासन में बैठिए, सिद्धासन में बैठिए, वज्रासन में बैठिए या पालथी मारकर बैठिए। इसमें रहस्य की बात क्या है? जब तक हम शरीर को अडोल निश्चल नहीं करेंगे किसी भी पोस्चर में, और सबसे ज़्यादा बात यह है, जब हमारे सारे अंग एक साथ एक जगह सिमट कर पिरामिड टाइप, या हमारा गुम्बद जो होता है ना, जो हमारे पैगोड़ा का, उस टाइप में हम नहीं बन जाते, तब तक जितना लाभ, मैक्सिमम लाभ मिलना चाहिए, वह साधना का नहीं मिलता, ऐसा मुझे पर्सनल अनुभव से लगता है। भगवान बुद्ध कैसा बैठते थे, मैं पद्मासन की बात नहीं करूँगा, पर पालथी मारकर तो बैठना चाहिए ताकि पैर एकदम नज़दीक आ जाए, हमारे शरीर के अंग जुड़ जाए एकदम। जैसे जैसे वहाँ शरीर संक्षिप्त करेंगे ना, वैसे वैसे मन की भी अवस्था संक्षिप्त होती है, ऐसा अनुभव से लगता है। मानना चाहे आप, आपकी मर्जी। तो उस वक्त हाथ भी कैसा रखना चाहिए? हाथ बहुत से लोग किसी मुद्रा में रख देते हैं, तो वैसा नहीं, या फिर पालथी मार कर क्या करते हैं, घुटनों पर रख देते हैं हाथ। नहीं, पालथी मारकर वज्रासन में भी आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, इसलिए पालथी मारकर, चौकड़ी मारकर एक रिलैक्स आसन में, जिसे कहें हम सुखासन में, बैठ जाइए। और उसके बाद बायां हाथ जैसे नाभि के नीचे दोनों पैर के टखने या एड़ियां नज़दीक आ जाती है ना, उसके ऊपर रहेगा टखनों पर, बायां हाथ फेसिंग टूवर्ड्स स्काई, हथेली स्काई की ओर, उस पर दाहिना हाथ रख दीजिए, वैसा ही फेसिंग टूवर्ड्स स्काई, जैसे भगवान बुद्ध की पोजीशन दिखती है। बैठने में भले ही पद्मासन, हम अर्ध पद्मासन न लगाएं, सुखासन लगाएं, लेकिन उस मुद्रा में बैठिए आप, फिर रीढ़ की हड्डी तो सीधी होना परम आवश्यक है। हमारा जो रीढ़ है, स्पाइनल कॉर्ड, वह सीधा होना चाहिए, पीठ, कमर, गर्दन सब एक सीध में आना चाहिए, तो भौगोलिक दृष्टि से भी हम एकाकार हो जाएंगे। शरीर और पृथ्वी की चक्रमण जो चल रहा है, अलग अलग जो आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण चल रहे हैं, उसमें हम समत्व साध लेंगे, तो देर तक बैठ सकोगे। और देर तक ही बैठ सकोगे, यही नहीं, हमारे काया और मन पर, मस्तिष्क पर जो परिणाम होना है भौगोलिक परिस्थितियों का, वह ठीक प्रकार से होगा। फिर क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, रुख मूल गतो वा शून्यागार गतो वा, इस प्रकार बैठना चाहिए। रुख मूल में ही क्यों कहा? शायद ये एंटेना के जैसा काम करे, या वृक्ष का आकार भी पगोड़ा का जैसा ही हो जाता है ना, पिरामिड के जैसा ही हो जाता है वृक्ष का आकार, और उसके बिल्कुल मूल में बैठे हैं हम, शांत है ना, उसमें हमारे आँखों पर ज़्यादा रोशनी भी नहीं आएगी, घना वृक्ष होगा तो, उसी प्रकार या तो शून्यागार में बैठे। मित्रों, जैसे जैसे मैं शून्यागार के करीब जाता हूँ ना, वही, अब घर में तो कहाँ शून्यागार रहेगा, मगर एक स्थान हमारे ध्यान का जहाँ पर ज़्यादा चहल पहल न हो सके, अब वह हर एक की अपनी अपनी परिस्थिति पर, और कुदरत ने जहाँ हमें परिस्थिति दी उस पर निर्भर है, लेकिन शून्यागार के करीब जाता हूँ वैसा वैसे मन एकाग्र होते जाता है। जैसा जैसा एक दरवाज़ा खोल के मैं शून्यागार में प्रवेश करता हूँ, मन और संक्षिप्त हो जाता है। जैसे अंदर अंदर की जो रूम है,
जो शून्यागार सेल है मेरा उसमें जाकर बैठता हूँ और मन संक्षिप्त हो जाता है। वैसा जनरली जहाँ पर हम हॉल में बैठे हैं ओपन जगह पर बैठे वैसा नहीं होता। मन की भी एक बात है, एक साइकोलॉजी है ये कि जैसे जैसे हम दरवाजे बंद करते जाएंगे हम संक्षिप्त मन एकाग्र मन बिल्कुल प्रोटेक्टेड सिक्योर्ड महसूस करेगा। बहुत से लोग शून्यागार के दरवाजे भी थोड़े खुले रख देते हैं तब क्या होता मन अधूरा क्या हो जाता है कि कहीं शून्यागार में से कोई सरीस कीट पतंग या रेंगता प्राणी ना अंदर आ जाए, इस प्रकार का भय मन में रहता है। हाँ कभी कुछ लोगों को वो ये रहता है कि सांस भाई तकलीफ हो रही है, वो बात अलग है। लेकिन एक बार बैठने के बाद आप हॉल में बैठे हैं क्या शून्यागार में बैठे हैं क्या सांस की कोई तकलीफ नहीं होती। बैठने तक ही लगता है कि सांस घुट रहा है क्या मैं अंदर आ गया तो क्या हो रहा है। ऐसा किन्हीं लोगों को विशेष परिस्थिति में जिनको कोई तकलीफ है उनको ही लगता है, बाकी लोगों को ऐसा नहीं लगता। तो यह हो गई बात बैठने की। बैठने की अनुमति भी वहाँ पर शिक्षक दे देना हमारे आचार्य दे दे तो भी कोशिश तो यही करनी चाहिए हम सारे अंग एकत्र करके उस प्रकार बैठे जिस प्रकार भगवान बुद्ध बैठते थे, नीचे ही बैठे चौकी पर भी बैठे तो दोनों पैर ऊपर लेकर आसन लगाकर सुखासन में दोनों हाथ ऐसे रखकर पोजीशन बनाकर संक्षिप्त आकार लेकर बैठे ताकि ध्यान में निरंतरता और हमारा अधिष्ठान बहुत अच्छा हो मन भी एकाग्र हो। यह जो पालथी मारकर हम पैर सिकोड़ कर नज़दीक लेकर बैठते हैं तो अनेक हार्ट हृदय रोग में और में भी बहुत लाभ होते हैं। देर तक वो इस पोजीशन में बैठने से अधिष्ठान में बैठने से बहुत लाभ होते हैं। वहाँ अनुभव की बात है या कोई आपको अनुभवी योगी ही बता सकेगा। खैर आगे चलते हैं। बात यह है कि गुरुदेव हमें साधना में पूरी तरह आत्मनिर्भर बना देते हैं, हम साधना के मार्ग में निर्भय हो जाते हैं। निर्भय तो होते ही हैं, उसके अलावा निर्भय होए बगैर निर्भय कैसे हो सकते हैं, और उसके बाद में हमारा बोझ हल्का कर देते हैं, हमारा जटिल बोझ जो है सो बहुत हल्का कर देते हैं। तो प्रवास में एक यात्री के लिए क्या है, जितना बोझ कम हो उतना उसकी यात्रा सफल संपूर्ण और बिल्कुल आनंदमयी होती है। तो गुरुदेव हमारे मन के अनेक बोझों को अपने प्रवचनों में उतार देते हैं, उतार फेंकते हैं। तो हिमालय की ओर, कल मैं हिमालय का उदाहरण दे रहा था ना ध्यान साधना के, तो हिमालय की ओर जाने का हमारा रास्ता बिल्कुल निर्विघ्न और बिल्कुल सहज हो जाता है। ये बोझ, चिंताओं के बोझ, आगे के भय के बोझ सब उतर फेंकते हैं। कैसे कि साधक अनुभव से साधना में बार 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 रिसाइकल होते हुए विकार उभरते हैं, वो देखता है कि यह कार्य कारण भाव जान जाता है कि यह जो कुछ हो रहा है अभी जो कुछ हो रहा है घटना घट रही है उसका संबंध मेरे पास्ट से है। ये खाली इमेजिनेशन नहीं है, यह नज़दीक की बातें तो उसे बिल्कुल दृष्टिगोचर हो जाती है। मेरे यह इस कारण के इस प्रकार के मेरे विकार के कारण मेरे क्रोध के कारण इस प्रकार की परिस्थिति, इस प्रकार से मैंने झूठ बोला था, इस प्रकार से मैंने व्यवहार किया था, इसलिए यह परिस्थिति आई। इसका कार्य कारण भाव इस जीवन का तो बिल्कुल सहज लग जाता है। तो क्या हो जाता है, ठीक है ना, मैंने किया उसका परिणाम सामने आया है, बीज मैंने बोया है और उसका फल आ रहा है, तो फिर मैं क्यों उसे नकारूं, उसका मैं स्वागत करूं और तब मैं तटस्थ रहूं। और क्या, मेरे हाथ में तो ये ही है, गुरुदेव ने कितना बड़ा अस्त्र दिया है, शस्त्र दिया है, या यूं कहे कि कितनी बड़ी ढाल दी है कि भाई मैं उस वक्त जो है बिल्कुल समता में रहूं, मैं उस वक्त रिएक्ट न करूं, मैत्री में रहूं, करुणा में रहूं, मुदिता में रहूं, तो ब्रह्म विहार में रह गया तो उसका जो फल आना है अपने हिसाब से आया और चले गया, उसका हम पर असर नहीं हुआ, तो आगे का मार्ग सुलभ हो गया, आगे का मार्ग सीधा हो गया। तो यह जब जब वर्तमान के प्रति जो जो बातों का पास्ट का इतिहास में भूतकाल में हमने जो किया है उसका फल जब ही दिखने लग जाए तो फिर धीरे धीरे वह आश्वस्त होता है, जो भी हो रहा है घटना घट रही है जाना जा रहा है, बस
केवल ज्ञान, केवल दर्शन। मैं अभी इस वक्त इस परिस्थिति में लाख प्रयत्न कर लूँ, वो देख लेता है, हर बार करके देख लेता है, लाख उसने प्रयत्न किए, लेकिन जो घटना घटनी है विचित्र प्रकार से, अलग प्रकार से वो घट रही है, तो फिर प्रयत्न मैं करूँ, लेकिन मैं प्रतिकार या उसके प्रति प्रतिशोध या उसके प्रति नकारात्मक भाव या उसके प्रति मैं आक्रामक या उस घटना को बदलने की मेरी छटपटाहट, व्याकुलता, आसक्ति खत्म हो जाती है, तटस्थता, समता और उसके साथ मैत्री और करुणा से उस व्यवहार में बदल जाती है, तो क्या हो जाता है, जीवन सहज, मार्गक्रमणा सहज। और दूसरी बार जब ध्यान बैठता है, ध्यान में बैठता है, तो यह जो परिस्थिति आई थी इस कारण जो कुछ निर्माण होने थे एक प्रकार से संस्कार, वह बिल्कुल बालू की लकीर जैसे, हवा में लकीर जैसे, पानी में लकीर खींची जैसे हो जाते हैं और साधना अधिष्ठान बहुत अच्छा हो जाता है। तो यह बातें मैंने ध्यान में आई तो मैं कहा मित्रों से अवश्य शेयर करूं। और भय और चिंता से फिर मुक्ति इसलिए क्योंकि भविष्य का भय रहता ही नहीं ना। मैंने बोया है, मैं काट रहा हूं, तो उसमें भय की क्या चिंता है, उसमें तीसरा क्या कर लेगा। तो इस प्रकार मित्रों हमें साधना में आगे बढ़ना है। इतना कहते हुए यहीं पर मैं मेरी वाणी को आज के दिन